हेलो यूट्यूब बडीज, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिन बाद फिर से निकली हूँ बाइक लेके, और अभी बंगाल में फेस्टिव सीजन है एज यू ऑल नो। जो लोग बंगाल के बाहर से देखते हैं तो हम लोग का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा है अभी, और महालया चला गया है तो मतलब गॉडेस दुर्गा का पूजा स्टार्ट हो गया है। नवरात्रि भी है फॉर नॉन बंगालीज। तो अभी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ क्या क्या दुर्गा पूजा मतलब पंडाल हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत कवर करूँगी। आई विल ट्राई टू कवर सब कुछ, शायद मैं बाइक से ना कर पाऊँ तो जो बाइक से हो रहा है अभी वो कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत जैम लगता है। तो शायद हो सकता है मैं फ्रेंड्स के साथ निकलूँ तो मैं नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकलू, बट मैं व्लॉग लाऊंगी, होपफुली यू विल लाइक इट। मैं अभी आज कवर करने वाली हूँ सॉल्ट लेक एरिया में। मतलब सॉल्ट लेक में वैसे तो ब्लॉक वाइज पूजा होता ही है, तो हर एक ब्लॉक में मतलब कोई ना कोई पंडाल होता है, लेकिन फेमस जो है फर्स्ट है FD ब्लॉक जो करुणामयी साइड में है, और फिर लास्ट टाइम जहाँ आदि योगी हुआ था वो वाला पंडाल लास्ट ईयर से हीट कर रहा है। आज इस बार भी आदि योगी होने वाला है कहीं एक पंडाल में हम देखे थे। सो लेट्स गो। IB ब्लॉक का जो पूजा कमेटी का है उसका पूजा यही है। यहाँ छोटा सा एक मेला भी लगा है एज यू कैन सी। सो गाइज, ये है IB ब्लॉक का पूजा जो अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। ये पंडाल अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। कमेटी मेंबर्स से जितना पता चला है वो है ये बहुत साल पहले का कोलकाता को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ये लोग। सो वर्क इन प्रोग्रेस, लेट्स मूव टू द अदर पंडाल्स। और अभी यहाँ से हम लोग निकल गए हैं दूसरा पंडाल की तरफ जो जा रहे हैं हम लोग FD ब्लॉक। हम लोग अंदर से भी जा सकते थे बट आई वॉन्ट टू शो यू गाइज़ द मेन रोड। ये है स्मार्ट बाज़ार जिसका मैं जिक्र कर रही थी थोड़ा देर पहले। और ये वाला रेड लाइट से हम लोग को राइट में जाना है। अरे बाप रे, इतना जैम, अभी तो ढंग से पूजा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन बस यही विश है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा था। ये आइलैंड से भी हम लोग सीधा लेंगे। ये था GD आइलैंड,
स्टैंड से भी सीधा निकल गए। बेसिकली स्मार्ट बाज़ार से सिटी सेंटर 1 की तरफ जो रोड है वो सेम रोड से ही हम लोग जा सकते हैं, और एक दूसरा रोड है जो जीडी आइलैंड के अंदर से, मतलब करुणामोई बस स्टैंड के बगल से निकलता है। इस वाला रेड लाइट से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। और अगर ये वाला आइलैंड से अगर राइट में चले जाएंगे तो सीसी वन आएगा, और ये रहा एफडी ब्लॉक का फील्ड जिसमें पूरा पंडाल हो चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है एज यू कैन सी। ये है एफडी ब्लॉक का मेला, बारिश की वजह से कीचड़ हुआ है थोड़ा, और ये रहा पंडाल। आई गेस अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है। এটার ওপেনিং কবে দাদা? 6 তারিখ। সো 6th অক্টোবর কো ইয়ে ওপেন হোনে ওয়ালা হ্যায়। অভি তক ইনকমপ্লিট হ্যায় জিতনা মুঝে দিখাই দে রহা হ্যায় অভি তক। ইয়ে ভি কলকাতা কো কাইন্ড অফ রিপ্রেজেন্ট কিয়া হ্যায় থিম সে জিতনা লগ রহা হ্যায়। ইটস আ নাইস ওয়াক। সবসে खास ये है इसका मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, और इस बार तो आईबी ब्लॉक में भी मेला लगा है। सो चलिए अगले तरफ जाते हैं, अगले पंडाल की तरफ जाते हैं। सो ये है बीजे ब्लॉक, इसका भी अभी काम चल रहा है, इट्स नॉट येट कम्प्लीटेड। अगर कोई मिलता है तो हम उनसे पूछेंगे कि ये कब ओपनिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज आर आस्किंग फॉर द ओपनिंग डेट्स। इवन मुझे जब कोई पैंडल हॉपिंग में जाना होता है तो मैं पहले ये पूछती हूँ कि खुल कब रहा है, क्योंकि जाके घूम के आने में बहुत दिल को चोट पहुँचता है। सो द आउटर लुक इज़ लाइक दिस। अभी तो लाइट नहीं चल रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है, लाइट जलेगा तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा दादा, इधर ओपनिंग कब है? अच्छे कल के। ओके सो टुमारो इसका ओपनिंग है। मैं अंदर तरफ थोड़ा देख के देखती हूँ। अभी तक काम चल ही रहा है। और ये रहा दुर्गा प्रतिमा।
एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू श्री भूमि। एक बार जो सबसे खास, जो सबको पसंद आता है श्री भूमि का पैंडल, जो लास्ट 3 ईयर्स से पूरा धमाल मचा के रखा है, तो वो एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में बाइक से इम्पॉसिबल है। सो अभी एक बार घूम के आ जाते हैं। उसका ओपनिंग हो चुका है महालया का दिन से, सो यू कैन विजिट देयर एनी टाइम। ये मैंने सर्विस लेन पे भी ले लिया है। अभी इधर गाड़ी का एंट्री खुला हुआ है, क्योंकि दोपहर के टाइम में और भीड़ नहीं है। शाम के टाइम ये बंद हो जाता है और पूरा लाइटिंग रहता है। सो दिस इज़ द सीनिक ब्यूटी ऑफ द श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब। और ये लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है इससे आगे। और फॉर्चुनेटली मुझे अंदर पार्क करने को मिला है। अभी से इतना क्राउड, ओह माय गॉड। गाइस, जो लोग बाइक से या कार से आने का सोच रहे हैं, आई वुड से कि बहुत ही क्या बोले, बेकार सोच है, क्योंकि इतना जाम होने वाला है आज ही से। वैसे तो महालया से खुल गया है, तो उसी दिन से इतना ही भीड़ हो रहा है। शाम के टाइम ज़्यादा होता है, अभी तो फाँका है पूरा। दिस इज़ द क्राउड। लगभग 3:30 से 4 बज रहे हैं अभी। दिस इज़ द क्राउड एंड क्रेज। लाइट जब जलेगा और ब्यूटीफुल लगता है। ये अभी तो शाम का टाइम है, लाइट नहीं जल रहा है। और वैशाखी में भी पूजा होता है, मैं वो कवर नहीं कर रही। अगर हो सके तो इसका पार्ट 2 आ सकता है, बट नॉट श्योर। इफ पॉसिबल आई विल ब्रिंग डेफिनेटली, बट इफ नॉट पॉसिबल देन प्लीज़ पार्डन मी। तो उसमें जो और साउथ या नॉर्थ का जो बड़ा बड़ा पंडाल्स है, वो कवर करने का कोशिश करूँगी। सो गाइज, फाइनली मैंने सॉल्ट लेक का जितना फेमस पंडाल्स होता है वो कवर कर दिया है, और श्री भूमि का जो तिरुपति बालाजी थीम्ड पंडाल है, मैंने वो भी कवर किया है। और अगला वीडियो में होपफुली और पंडाल्स आने वाला है, नॉट ओनली इन कोलकाता, बट मैं बाहर जा रही हूँ तो वहाँ का भी पंडाल्स का वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और एक बात, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। डू इट, डू इट, डू इट।